सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। ये रागने आपके बीच में बालीवुड के किस्से से प्रस्तुत कर रहे हैं और हवाला उस वक्त का है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आदेश पाकर के सुग्रीव बाली का वध करने के लिए चलता है, कैसे शरीर में जोश की ज्वाला भड़कती है और क्या लिखा इस रागिनी के द्वारा, क्या बताया भला, क्या कहा। नेतर हो गे लाल क्रोध में, लाल क्रोध में, लाल क्रोध में, बन कर कह बे पीर चलिया। बाली का संघार करण को, बाली का संघार करण को, ए तू कह तारण पीर चलिया। निर हो गए लाल क्रोध में, निर हो गए लाल क्रोध में, बन कर कह बे पीर चलिया, बन कर कह बे पीर चलिया। बाली का संगार करण को, बाली का संगार करण को, ए तू कह तारण पीर चलिया। नेतर हो गे लाल क्रोध करी तेरी सारी याद दिला दूंगा, उसी कोक का मैं जाया हूं, तने नाक ते नीर पिला दूंगा। सन में फूल खिला दूंगा, काल वरण यमराज लगे था एक करने को आखिर चला। निकर हो गए लाल क्रोध में, निकर हो गए लाल क्रोध में, बन कर कह बे पीर चला, बन कर कह बे पीर चला। बाली का संगार करण को, बाली का संगार करण को, ए तू कह तारण पीर चलिया। निर्भर हो गे लाल क्रोध में, निर्भर
अब आशीष मिलेगा कुछ आर से मैं दूर हुआ तेरा दर्द तैसीस मिले बदले में धीस मिलेगा धोखे से आती ने करी वो ए छीदान को जागीर चला बेकर हो गए लाल क्रोध में बेकर हो गए लाल क्रोध में बन कर कह बे तीर चला बन कर कह बे तीर चला बाली का संहार करण को बाली का संहार करण को एडू कहता रण वीर चला बेकर हो गए लाल क्रोध नहीं आई थी पटरानी तारा भाभी की ओ फोड़न को तकदीर चला बेतर हो गए लाल क्रोध में बेतर हो गए लाल क्रोध में बन के मैं बेपीर चला बन कर कह बेपीर चला बाली का संहार करण को बाली का संहार करण को ओ जू कहता रण वीर चला बेकर हो गए लाल क्रोध में अंतिम चौथी कली में ये कहता है कि तूने जो तेरी बेटी के समान थी मेरी धर्मपत्नी तुझे कभी माफ नहीं कर सकता तूने मुझसे वो भी छीन ली क्या कहता है अंतिम कली के अंदर क्या बताया लिया मेरी रोमा को तने पापी पाप करया था अपने कागल तार कदे को ना संताप करया था सुन उगाए राही में
नीरज विपता में हर का जाप करया था, अनोनी ना करनी चाहिए ये समझनी याद तीर चला नेत्रोगे लाल क्रोध में, नेत्रोगे लाल क्रोध में बन कर के बे तीर चला, बन करके बेपीर चलिया। बाली का संगार करन को, बाली का संगार करन को, ये न्यू कहे